हेलो जी, सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो सबको फर्स्ट नवरात्रि की शैलपुत्री माता की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी पूजा हो चुकी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, क्योंकि अभी बीच में जो है मुझे हिमाचल भी जाना है। सिंपल सी पूजा कर दी है, तो ये माता रानी को हमने भोग भी लगा दी है और यह सुहागी भी रख दी है। ली थी पर्स में क्या है, पर्स में क्या है, हैं? जल्दी जल्दी पैसे निकालो जल्दी। ऋषि ऋषि गुंडा बना हुआ है। मम्मी मिली इसको लूटने के लिए। मम्मी को लूट रहा हूँ। तो चलो ना यार, बीच रास्ते में चलते हो। तो सारा काम घर का करके हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहना, कहाँ जा रहे हैं बता ही देते हैं। वैसे सीमा के घर जा रहे हैं हम लोग, तो वीडियो में बने रहना। शॉपिंग भी करेंगे साथ में हम। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी हम जाएंगे बाय ट्रेन होके, जैसे सीमा इतनी 5 रुपया खर्चा करके हम भी वैसे जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे कौन सी ट्रेन है, हैदराबाद की लोकल ट्रेन, और कैसे स्टेशन रहते हैं। स्टेशन तो वैसे सेम ही रहते हैं। तो चलते हैं अभी हम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और ऋषु का है टिकट लेना है। तो देखिए यहाँ का स्टेशन कैसे है। तो ऐसे घर होते थे पहले, यहाँ में कपड़ा डाली हुई है। ऋषु ये कितना लंबा है। तो अभी हमें ट्रेन नहीं मिली, और या संडे तो ट्रेनें बहुत कम जाती हैं। तो अभी हम बस में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो ये भी आधे रास्ते में छोड़ देगी हमें। देखते हैं अभी आगे होटल वगैरह करेंगे। दरगाह 10 मिनट का रास्ता है और लोग इधर फंस गए। ऑटो आता रहा, देखते हैं अभी। बुलारम फाटक के आगे आंखें थकी पड़ी इंतजार कर कर के। निकल गया काला, लेने भी आ गया हमें। पिछले मैं काला कर दिया, बहुत धूप है। पहुंच गए हम लोग फाइनली सीमा के घर। लंबे सफर के बाद सीमा तो 5 रुपया खर्चा करके ला आई थी ना, हमारे तो लगे ज्यादा। और टाइम अक्षु कितना लगा। हेलो, कैसे हो? गॉड ब्लेस यू। उधर भी है, ठीक है। देखिए ये ना भैया के पाँव नहीं छूता है, लेकिन इसको ना अभी हैबिट डालना है। भैया का आशीर्वाद लेने में ना थोड़ी बहुत हाँ एजिटेशन करता है। पता है सबसे अच्छा आशीर्वाद तो बड़े भाई का होता है। प्रैक्टिस करना चाहिए, पाँव छूने की प्रैक्टिस होना चाहिए। जबरदस्ती है ना। हाँ वो सच्ची। आज तो लाइट लाइट लग रही है घर में, अच्छा लग रहा है। लाइट लाइट जैसा लग रहा है, जैसे वो दिने आए ना ता ना रात जट रात आए हैं ता मणि है क्या आज ना रात तो था ना। अच्छा तो ये वो क्या द्रेल बोलते हैं ना हमारे यहाँ, द्रेल पूजी हुई है सीमा। साउथ साइड की बन गई। स्पेशल खास कुछ बना है ना है ऋषु? पागल पनीर। पागल पनीर खाते हैं। पागल पनीर बनाया आपने? पागल पनीर नहीं खाता है। इसका बहुत फेवरेट है। हाँ ये दीवार देके बनाता है। ये पालक पनीर क्या दीदी? कुलचे। अच्छा कुलचे बनाए हैं।
ये तो चावल के साथ। स्पून अक्षत स्पून लाओ। ये देखिए सीमा ने कुलचे भी बनाए हैं। अब तीनों ले लो ना ले। और ये छोले, छोले अच्छा कटोरी ली नहीं ये छोले छोले पे चावल भी आपके नसीब में नहीं खाना। पूरा मिस कर दिया सच्ची, पूरे का पूरा मिस किया। तो बिना लहसुन प्याज से बनाया है ना। हाँ, अभी पूरा 10 दिन खाने नहीं है, 9 दिन खाने नहीं है। नहीं नहीं खा लेते हैं, खा लेते हैं। तो बाहर खाने कोई परहेज कर दे नहीं तो फिर क्या आधा होता सही ना। आए तो सही बात है, अच्छा है, हो गया 2 लीटर का ना वही ना। फटाफट लग जाती है स्टीम इसमें। हाँ चावल दे दूं तेरे को, खान लो ले तो ये मेरे लिए थाली है, पहले बना के रख दी है। कोई हाथ ना लगाए, कोई हाथ ना लगाए, सारा का खाना ही ना व्रत रख गया कि क्या। ये तोड़ तो लिया है, ये सूखा ना डिजाइन होता है। हाँ अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये अक्षु को मिला था सूखा पूरा मिला था, बाकी छील दिया है, छील दिया है, छील दिया। अच्छा तो इनका चाय पीने का टाइम हो गया। और देखिए सीमा जो छोटे प्लांट लगा रखे हैं। अरे देखो इसको निकालो ना। नारियल के पीछे वाले पेचकस तोड़ दिए, जितने नारियल भी आ जाता दो, दो तीन आ जाते हैं ना इस पीछे। तो ये फ्रेश है ना, फ्रेश थोड़ी ना मिलते। तो फ्रेश तो होते हैं शॉप में भी तो नहीं, जब पेट के अंदर जाएगा वो कितना फ्रेश रहेगा। वो अच्छा लग रहे हैं, खोलो बाबू। नहीं खुल रहा, मैंने खुलने के लिए फोन दिया। अच्छा है ना ये लक्ष्मी फूल ना। हाँ, गुड़हल। सीमा बोल रही बस यही है मेरे पास कपड़े, ये कम है क्या, अंदर भी ढके होंगे आधे। ये साड़ियाँ सर ढके रखी हैं, और ये ऑनलाइन मंगवाया है तो ये मेरे को दिखा रही है। अच्छा लग रहा है कॉटन का। लेडीज के पास कितने भी कपड़े हो ना, बोलती बस यही है मेरे पास। हाँ पहनने के लिए नहीं, जब पहन चलेंगी ना तो बोला हाँ मेरे पास ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। अच्छा ये साड़ी ना मीशो से ना, अच्छा लग रहा है। 600 कुछ का है।